हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर हमने इंटीजर के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन किया है, बट मैं फिर भी एक बार यहाँ पर आपको इंटीजर के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कराऊँगा। हमारा टॉपिक है इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज अ सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर। इट मीन्स दैट इट कंटेन ऑल द नंबर्स including zero, positive and negative, right? It is symbolized as a z. The set of z contain positive, zero and negative numbers, right? Okay, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि integer किसे कहते हैं। चलिए अब इंटीजर के साथ साथ में आपको थोड़ा डिफरेंस के लिए नेचुरल नंबर के बारे में भी बता दूं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ कौन से नंबर आए? पॉजिटिव नंबर आए, राइट? और इसको हम एन से दिखाते हैं। दूसरा एक नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर, इस नंबर को हम, इस नंबर में जीरो और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं और इस नंबर को हम W से शो करते हैं, इसको हम W से सिंबलाइज करते हैं। चलिए, और ये W कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ओके फाइन, चलिए इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब होता है अपने बाउंड्री में रहना, अपने क्लोज़र में रहना। मतलब कि अगर आप नेचुरल नंबर को प्लस कराते हो, माइनस कराते हो, मल्टीप्लाई कराते हो, डिवाइड कराते हो, किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ, तो आपका आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। या फिर आप, अगर आप किसी होल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होल नंबर के साथ कराते हो तो आपका आंसर होल नंबर में आना चाहिए। या फिर आप किसी क्वेश्चन, कोई इंटीजर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न किसी इंटीजर के साथ कराते हो तो आपका आंसर इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लिख दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टू, ठीक है, और टू के अंदर मैंने ऐड कर दिया थ्री और मुझे आंसर मिला फाइव, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर है, जानते हो आप, ये नेचुरल नंबर है और जो आंसर है वो भी नेचुरल नंबर है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये वैलिड हो रहा है। फिर हम कोई होल नंबर ले रहे हैं, ज़ीरो प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन। तो आप जानते हो ज़ीरो होल नंबर है, सेवन भी होल नंबर है और सेवन आंसर आया वो भी कैसा है, होल नंबर है। फिर हम इंटीजर के लिए चेक करें तो माइनस टू को प्लस करवा दिया मैंने माइनस टू के साथ, या चलो माइनस ट्वेंटी ले लेते हैं, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? माइनस टू प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू। तो आप देख सकते हो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और आपको जो आंसर मिला वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जिस नंबर को किसी ऑपरेशंस में लेके जा रहे हो, मैंने यहाँ पर स्टार की साइन लगाई है ऐसे, इसका मतलब प्लस भी हो सकता है,
माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टार का मतलब आप मल्टीप्लाई अकेला मत सोचना। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप नेचुरल को नेचुरल के साथ कुछ ऑपरेशंस करते हो तो आपका आंसर या आपका कंक्लूजन या आपका ऑब्जर्वेशन नेचुरल नंबर में आना चाहिए। होल की बात करें तो होल में आना चाहिए, इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में आना चाहिए। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब अपनी बाउंड्री में अगर नेचुरल नंबर लिए हैं तो आप नेचुरल में आंसर लाओ, होल नंबर है तो होल में आंसर आना चाहिए और इंटीजर है तो आपका इंटीजर में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप प्लेस चेंज कर देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें प्लेस मैटर करती है, जो नंबर आपने लिखा है उसका प्लेस क्या करता है, मैटर करता है कि आपने उसको किस जगह पे रखा है। वैसे ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है, ये प्रॉपर्टी सब्स्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। इनके लिए वैलिड नहीं है, इनके लिए वैलिड है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं। चलिए, अगर मैं 2 × 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर 6 मिल रहा है, राइट। और अगर मैं 3 × 2 करता हूं तो भी मुझे आंसर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। बट अगर मैं ऐसा लिखूं 2 + 3 = 5 हो रहा है और 3 + 2 करूं तो भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। मतलब देखो, मल्टीप्लाई के अंदर और एडिशन में अगर नंबर को आप आगे पीछे कर देते हो या उनका ऑर्डर सफल कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो आपका आंसर एज इट इज़ रहता है। बट अगर यही बात माइनस में ली जाए, 2 − 3 और 3 − 2, तो 2 − 3 में तो आंसर आ जाएगा -1 और इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1। आप देख सकते हो -1 और 1 में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस में प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। सेम आप चेक करोगे 2 × 10 और 10/2, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2/10 और इसको हम ऐसे लिखते हैं 10/2। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1/5 और यहाँ पे मिलेगा आपको 5/1, जो ये दोनों कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑर्डर सफल कर देते हो, उनकी जगह चेंज कर देते हो, तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। बट ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो हो पाती है, ऑब्वियस हो पाती है, वैलिड हो पाती है। माइनस में और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी वैलिड होती नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आंसर कैसे निकाल लें, जैसे देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखो, मुझे मालूम है कि ये मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक है। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा, 2 × 5 आगे ला दूंगा इसको और 3 को पीछे कर दूंगा। अब क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमेशा राउंड फिगर के साथ मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। तो ये 10 हो गया और ये 3 आ गया, 10 × 3 = 30 हो गया, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, 2 × 50 × 50, ठीक है। और यही क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से करेंगे, 2 × 50 × 50, राइट। अब आपको देखना कौन सी मेथड इजी लगेगी। पहले हम क्या करेंगे, इनका नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 30 × 50। इसको हम 3 × 5 = 15 मान के चले और 2 जीरो लगा दिया। बट अब
यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो आपको पता है कि अगर 2 और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 मिलने वाला है, और 100 का क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इजीली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देखने से ही आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया और 15 को बाजू में कर दिया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे क्या मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है, और 100 का मल्टीप्लाई कराना मेरे लिए 30 के मल्टीप्लाई कराने से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई को इजी बना सकते हो। आप ऑर्डर चेंज करके, क्योंकि 100 के साथ, 1000 के साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई कराना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन जीरो नंबर्स। तो मल्टीप्लाई में किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कराने के लिए वहाँ पे आप थोड़ा उसको इजी करने के लिए ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप नाम से समझ जाओगे, इसका मतलब होता है बांटना, डिवाइड कर देना। और इसका जो फॉर्मेट रहता है वो इस तरीके से होता है, ए बी प्लस सी, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे माइनस में हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये ए है वो बी के पास भी जाएगा, मतलब ए स्टार बी हो जाएगा। यहाँ पे स्टार का मतलब मल्टीप्लाई समझना है आपको, यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आ जाएगी, और यही ए सी के पास भी जाएगा, मतलब ए इंटू सी हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी, राइट। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्स्ट्रैक्शन या डिफरेंस। ए बी के साथ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ माइनस की साइन है तो हम माइनस करेंगे, और ये ए के साथ भी जाएगा ए सी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुआ ओवर ओवर एडिशन, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4 × 5 + 4 × 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार ए आया था, और वो ए क्या था, बाहर था। आप यहाँ पे भी कोई नंबर ढूंढो जो 2 बार रिपीट हो रहा हो, 4 और 4, इसका मतलब 4 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 बचा है इधर, और इधर 9 बचा है। और आप देख सकते हो बीच में किसकी साइन लगी हुई है, प्लस की लाइन लगी हुई है, ठीक है। चलिए ये 4 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 9 + 4 कितना होता है, 14, और 14 × 4 = 56 हो गया, आपका आंसर आ गया, क्लियर हुआ। सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 × -3 − 10 × -3। तो आप देखो कौन सा नंबर रिपीट में आ रहा है, यहाँ पे -3 रिपीट में आ रहा है, मतलब वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, और ये साइन किसकी थी, माइनस की साइन थी, ठीक है। अब आप देख सकते हो -3 एज इट इज, 5 में से 10 जाएगा तो -5 बचेगा, -5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन निकाल सकते हो कि
जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कोई जो नंबर है वो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से पहले और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में वो क्या होता होगा, रिपीट होता होगा। जैसे यहाँ पे 4 4, प्लस के पहले भी 4 आया, प्लस के बाद भी 4 आया। सेकंड वाले में यहाँ पे प्लस माइनस के पहले -3 आया और माइनस के बाद में भी -3 आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जब नंबर रिपीटेशन में आ जाएंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो। चलिए अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएट होना मतलब ग्रुप बनाना, एसोसिएशन करना, ग्रुप बनाना। इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, मतलब ये हुआ कि अगर ए को आप बी के साथ और बी को आप सी के साथ कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवीज़न कर रहे हो, वो उनके ग्रुप के साथ करने के बराबर आना चाहिए। मतलब ग्रुपिंग चाहे कैसे भी हो, अगर मैं ए को बी के साथ ग्रुप बना के सी का रिज़ल्ट मल्टीप्लाई कराऊं, या ए को मैं बी और सी के रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई कराऊं या डिवाइड कराऊं, तो दोनों में आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड को ग्रुप बनाया जाए और थर्ड के साथ लॉजिक में लिया जाए, या फिर फर्स्ट को अलग करके सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया जाए और उसके साथ लॉजिक में लिया जाए, तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक बताऊं मैं आपको, 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। अगर मैं 2 और 3 का ग्रुप बना रहा हूँ और मैं 3 और 4 का ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखो 2 × 3 = 6, आंसर आया 6, और उसका 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 × 4 = 20 आ गया। या फिर ऐसा करो, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया अलग से और मैंने इनका ग्रुप बना दिया, बी और सी का ग्रुप बना दिया, तो भी कितना आंसर आएगा, 12 आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो 12 × 2 भी कितना होता है, 24 ही होता है। तो आप LHS RHS कैसे, क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुपिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट सेकंड का ग्रुप बना के थर्ड के साथ मल्टीप्लाई में जाओ, एडिशन में जाओ, डिवाइड जाओ, मल्टीप्लाई में जाओ, या फिर फर्स्ट को अलग करके आप सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना के इसका ऑपरेशन करो, तो आंसर में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर वही बात बताऊँगा मैं, ये प्रॉपर्टी माइनस में और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी माइनस में और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का मतलब होता है वही का वही रखना, वही रखना मतलब जो है वही का वही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे मैं बोलूँ 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव, मतलब 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे वही का वही आंसर मिले, 5 ही मिले। तो आप बोल दोगे सर आप 0 ऐड कर दो, तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कराओ उस नंबर के साथ, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। आइडेंटिटी वही का वही रखना है, आपको ऊपर बताया हुआ है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 से, तो हियर 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है एडिटिव आइडेंटिटी इज़ व्हाट, 0, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ व्हाट, 1। ठीक है,
चलिए, तो कभी कभी आपको ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वन इज़ अ डैश, तो आपको लिखना है वन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो इज़ अ डैश, देन जीरो लिखना है आपको, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब थोड़ा जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो हम देखते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में x का हो जाता है माइनस एक्स, वन बाय एक्स का हो जाता है माइनस वन बाय एक्स, एक्स बाय वाई का हो जाता है माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाता है कि x का हो जाएगा वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का हो जाएगा x, और x बाय वाई का हो जाएगा y बाय एक्स, ठीक है। पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, घूम जाएगा वो नंबर, जो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सेम, अगर यहाँ पे माइनस एक्स है तो x हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स है तो वन बाय एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स बाय वाई है तो प्लस एक्स बाय वाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स है तो वन बाय माइनस एक्स हो जाएगा, अगर माइनस वन बाय एक्स है तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स बाय वाई है तो यहाँ पे माइनस वाई बाय एक्स हो जाएगा। मतलब आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, अगर एडिटिव इनवर्स की बात होगी तो साइन चली जा रही है, देखो माइनस की साइन चली जा रही है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी तो वहाँ पे माइनस है ना, एज इट इज़ रह रहा है, देखो जा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ आपको, जैसे मुझे 5 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस 5 लिख दूंगा। अगर मुझे 1 बाय 5 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस 1 बाय 5 लिखूँगा। अगर मुझे 5 बाय 3 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं माइनस 5 बाय 3 लिखूँगा। सपोज मुझे माइनस 5 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं 5 लिखूँगा। सपोज मुझे 1 बाय माइनस 1 बाय 5 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं 1 बाय 5 लिखूँगा, और मुझे -1/5 का या 3/5 का एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो मैं 3/5 लिखूँगा, राइट। तो सिर्फ एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, अगर वो प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो प्लस कर देना है। नंबर को आप ऊपर नीचे सफल नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहने देना है, माइनस है तो माइनस ही रहने देना है। हाँ, जो नंबर ऊपर है उसको नीचे कर दो, और जो नीचे है उसको ऊपर की ओर कर दो, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे देखो 5 है तो क्या हो गया, 1/5। अगर 1/5 होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। साइन को आपको कुछ भी नहीं करना है, माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस 5 है तो माइनस 1/-5 हो जाएगा, साइन वही की वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। माइनस 1/5 है तो -5 हो जाएगा, और -3/5 है तो -5/3 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप साइन को कुछ भी नहीं करोगे, साइन आपकी एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएंगे। और एडिटिव इन्वर्स में नंबर को कुछ भी नहीं करना है, जब नंबर जैसा है वैसा का वैसा लिखना है,
प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब फटाफट जल्दी से क्विज ले लेते हैं ताकि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा कि अगर नेचुरल है तो आपका आंसर नेचुरल में ही आना चाहिए, होल है तो होल में आना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर में आना चाहिए। फिर हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें देखा कि आपका जो ऑर्डर है वो सफल होगा तो चलेगा। अगर ए की ए इंटू बी किया तो आप बी इंटू ए करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। थर्ड हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, उसमें दो प्रॉपर्टी थी, ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मेट इस तरीके से था बी प्लस सी और यहाँ पे था बी माइनस सी। तो ये ए है वो दोनों के पास जाएगा, ए बी प्लस ए सी और यहाँ पे ए बी माइनस ए सी। ठीक है, चलिए। और फोर्थ में हमने देखा, यहाँ पे फोर्थ में हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप बनाना, एसोसिएशन बनाना। अगर ए को बी के साथ ग्रुप बना के सी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे या ए को बी और सी के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई इतना फर्क या डिफरेंस आएगा नहीं, और नहीं आना चाहिए। जनरली ये प्रॉपर्टीज सारी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्लस और मल्टीप्लाई में फॉलो हो जाती हैं, और जनरली कुछ माइनस वाली माइनस वाले और डिवीज़न वाले हैं किसी में फॉलो हो जाते हैं, बट जनरली प्लस और मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ या प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर वही का वही आए, आपने देखा वन से। फिर हमने देखा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर को हम किस में किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें तो वही का वही आंसर आए, तो आपको पता था ज़ीरो। उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब जो नंबर है आपके पास अगर एक्स बाय वाई है तो आप घुमा दो उसको, वाई बाय एक्स कर दो, साइन को आप हाथ नहीं लगाओगे, साइन को कुछ चेंज नहीं करोगे। और दूसरा था आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है, जिसमें आपको नंबर को ऊपर नीचे नहीं करना है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर देना है और माइनस में है तो प्लस में कर देना है, नंबर को आप ऊपर नीचे नहीं करोगे। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम ऑफलाइन बैच के अंदर। तो अगर इस वीडियो को ठीक से नहीं देखा है, कुछ स्किप हो गया है, तो उसको प्रॉपरली पूरा देखिए, दो तीन बार देखिए, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, आपके स्कूल्स फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको भेजें ताकि प्रॉपर्टीज़ हर एक बच्चे को ठीक तरीके से समझ में आए, और इसको रेगुलरली आप देखते रहोगे तो आइए प्रॉपर्टीज़ आपको इजी लगेगी, एग्ज़ाम में इसके 2-3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।